नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के केंद्रीय महासंघ के सांस्कृतिक समारोह अभिव्यक्ति का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल्द ही इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा करवा कर उसका लोकार्पण करवाया जाएगा, साथ ही पोल बॉल जंप के लिए भी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। महाविद्यालय में बंद पड़ी जियो वाईफाई सुविधा को जल्द शुरू किया जाएगा। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरदीप सिंह जम्वाल ने सांसद अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। महाविद्यालय परिवार की ओर से सांसद अनुराग ठाकुर व अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महाविद्यालय के विभिन्न संकायों के बीच आयोजित इस समारोह के पहले दिन पारंपरिक समूह नृत्य का एवं एकल गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज छात्रों ने खूब धमाल मचाई। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष राकेश कुमार, जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल ठाकुर, बिजयपाल सोहारू, मीडिया प्रभारी नरेंद्र अतिथि आदि मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष तौर पर जो अभी एक कार्यक्रम आपने देखा, स्पीति की बेटियां हमीरपुर में पढ़ती हैं, शिक्षा का हब हमीरपुर को माना जाता है। शायद हमीरपुर के हजारों विद्यार्थियों को कभी ये देखने को स्पीति जाने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन स्पीति के बच्चे जब यहाँ पर रहते हैं, देश प्रदेश के बाकी हिस्सों के यहाँ पर रहते हैं, तो रोहडू का डांस भी, स्पीति का डांस भी, चंबा का डांस भी, कांगड़ा का भी, तो इस राज्य में सिरमौर से लेकर चंबा स्पीति से लेकर ऊना तक वो सभी जो कल्चरल आइटम्स है वो यहाँ पर कॉलेज में देखने को मिलती है। इससे एक तरह से पूरे प्रदेश के दर्शन भी होते हैं, मनोरंजन भी होता है, और जो हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, चाहे वो नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो या राज्य में डिस्ट्रिक्ट के इंटीग्रेशन की बात हो, ऐसे कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और मैं स्थानीय कॉलेज को, नेताजी सुभाष चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज हमीरपुर को, वहाँ के प्रिंसिपल और सभी स्टाफ मेंबर्स को धन्यवाद करता हूँ शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए।